वेलकम बैक टू माई चैनल अनदर ब्लॉग। और मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि मॉर्निंग, लेकिन अभी जो मॉर्निंग्स है ना वो बहुत लेट होंगी क्योंकि बच्चियों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं और काम भी बहुत ज़्यादा। और पीछे ज़रा आप देखेंगे, देखिए अगर आपको मैं रियल मेस दिखाऊँ तो देखिए मैंने पराठे बनाए हैं सुबह नाश्ते में, और जो है वो भी किसी ने पराठे खाए हैं, किसी ने राइस खाई है, किसी ने ब्रेड खाई है, और चीज़ें पूरी मेस हुई हुई हैं। एक बाथरूम मैंने क्लीन कर लिया, दूसरा मैंने करना है, अभी मैंने किचन क्लीन करना है, और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, और फिर रात को सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो यही है, आज का ये है कि इस तरह से मैंने कोई चीज़ नहीं बनानी, क्योंकि फ्रिज जो है ना मतलब बॉक्सेस में इतने ज़्यादा सालन पड़े हुए हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। और हमारे हमसाए जो उन्होंने भी कुर्बानी का गोश्त बनाया था तो वो भी पूरा बाउल पड़ा हुआ है, अच्छा बकरे का गोश्त भी पड़ा हुआ है, अच्छा चिकन भी पड़ा हुआ है, फिर सब्ज़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो दाल भी पड़ी हुई है। तो अब ये है कि जो लेफ़्ट ओवर है ना आज मैंने वही सारे खाने हैं। और रात को मेरी, अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मुझे, जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मुझे ना ज़रदा नहीं बनाना आता, सो मेरी नन जो है वो कहती है भाभी मैंने ना शीर खुरमा और मतरंजन बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो ना खाने को, ज़रदा जो रंग बिरंगा नहीं होता वो खाने को दिल कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो नन है शी इज़ फ्रॉम मतलब वो लोग बांग्लादेशी हैं, तो उसको ना उर्दू समझ आती है लेकिन वो उर्दू बोल नहीं सकती, तो वो इंग्लिश में हमेशा मेरे से बात करती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने फिर ना उसकी थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। फिर मैंने ना उसको शीर खुरमा बना के दिया, वो जो एक चम्मच डाल के घी का, और फिर उसके अंदर जो है ना वो नट्स फ्राई करके, और फिर उसके अंदर सेवैयाँ डाल के फ्राई करके, फिर दूध डाल के, फिर उसके अंदर मैंने चीनी ऐड करके उसको पका लिया था। इतनी मज़े की सेवैयाँ बनी थी, बहुत मज़े की। और ज़रदा भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बहुत मज़े का बना था, देसी घी में मैंने बनाया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब होता है ना कि आप एक चीज़ के, असल में इंसान का डर ही होता है। हालांकि मैंने वो सेला नहीं, रेगुलर बासमती राइस से बनाया था ज़रदा, अगर सेला से तो बनाए तो और भी अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास सेला राइस नहीं थे तो इस वजह से फिर मैंने बासमती जो राइस है ना उससे बनाया था, और बहुत अच्छा बना था। सो ये तो अपना आइंदा से फिर मेरा वो जो झिझक होती है ना कि मुझे ज़रदा नहीं बनाना आता, ज़रदा नहीं बनाना आता, लेकिन अब मुझे ज़रदा बहुत अच्छा बनाना आता है। कि वो बिल्डिंग जो कि मेरी सास अम्मी के घर के बिल्कुल सामने बन रही है, सो काफ़ी अब इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आई थिंक इसके अंदर काम कर रहे हैं या फिर लोग जो बाहर ब्रिक्स वगैरह और वो सारा कुछ कर रहे हैं ना वर्कर्स। देखिए बहुत प्यारी है ये, पूरा एरिया ही ना चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक पार्किंग लॉट होता था, और अब देखें इन्होंने अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दी है। और यहाँ पे आ गए जी हम टाइगर पार्क के पास, और टाइगर जो है ना वो बहुत बिजी था अपने टॉयज़ को लेके, और वो बस अकेला होता है तो फिर उसकी ना उसको खुश करने के लिए मेरी जो नंद है ना उसके लिए कुछ ना कुछ उसने ऑर्डर किया होता है। और आज मैं जब आई हूँ तो वो फिर मुझे ये दिखा रही थी बटरफ्लाई टॉय के, ये किस तरह से जो है वो टाइगर जो है वो उसको पसंद करता है और खेलता है। और मैंने लाइफ में बनाया था जी फर्स्ट टाइम ज़रदा बनाया था, सतरंगी किस्म का ज़रदा बनाया था, और वाकई बहुत अच्छा बना था और बहुत ज़बरदस्त था। इसमें मैंने ना क्या किया था कि मैंने जो है वो घी गरम करके उसके अंदर इलायची डाल के, फिर उसके अंदर जो है वो चार चम्मच दही डाला था, और चावलों से मतलब अगर चार हिस्से चावल हैं तो तीन हिस्से चीनी डाल के मिक्स करके, फिर उसके अंदर मैंने बॉयल राइस जो हाफ बॉयल राइस होते हैं वो डाले थे, बहुत सारे नट्स डाल दिए थे, और फिर बाद में जो है वो कलर ऐड कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छा था, डिटेल के साथ मैं रेसिपी नहीं शूट कर सकी क्योंकि मेरे फ़ोन में उस टाइम चार्ज नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और शीर खुरमा भी मैंने इसी तरह से बनाया था, एक चम्मच घी में जो है वो मैंने नट्स फ्राई कर लिए थे, फिर उसके अंदर सेवैयाँ फ्राई करके उसके अंदर दूध डाल दिया था, फिर चीनी डाल दी थी, और बस मेरी सेवैयाँ जो है वो रेडी हो गई थी। लेकिन मेरा ज़रदा जो था वो वाकई बहुत मज़े का था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया वो इतना अच्छा ज़रदा बना था। सो होपफुली आप लोगों ने जो है वो मेरा व्लॉग जो है वो इन्जॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो है मैंने ऑलमोस्ट क्लीनिंग कर ली थी क्योंकि बहुत मेस बना हुआ था, और वाकई जो है ना वो घर एकदम से जो है जब आपके कैबिनेट्स को बहुत कम हो तो बहुत मेस हो जाता है। फिर हम लोग चले गए जी बाहर, वेदर हालांकि बहुत क्लाउडी था, लेकिन ये रोड जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब प्लेन्स यहाँ से ऊपर से गुजर रहे होते हैं ना JFK की साइड पर, तो इट्स रियली नाइस। और फिर मैं भी अपना कैमरा जो है वो ऑन रखती हूँ कि जब भी कोई प्लेन आता है ना तो फिर मैं जो है वो उसकी वीडियो बना लेती हूँ। जैसे ऊपर आप देखें वो ट्री के ऊपर जो है वो प्लेन आ रहा था, सो
बस यही है आजकल बच्चों के साथ, अगर बंदा सारा दिन घर में भी बैठा रहे तो फिर बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। और बच्चों का भी फिर यही होता है कि मामा हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देखेंगे कितने लोग जो है ना वो बाहर निकले हुए थे। सो समंदर के पास हम लोग आ गए थे और इतने लोग थे ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। और वापसी पर जो है वो बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ऑलमोस्ट डार्क हो चुकी थी। सो अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।